सॉरी बेटा, मुझे लग रहा कि साउंड नहीं आ रहा था, एक बार हम लोग फिर से बैक आ जाते। ओके, आप सभी लोगों का खान अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आइए जल्दी से आ जाइए। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी को क्रैक करने के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म खान अकेडमी के थ्रू हम लोग इसको कवर करेंगे। और यहां पर अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप ये ऐप से डाउनलोड कीजिए और सीधे पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं हेड टीचर का भी कंप्लीट सिलेबस 19 जून से आने वाला है, और फुल जो है लेंथ का जो टेस्ट सीरीज है 68वीं बीपीएससी के लिए वो 26 जून से होने वाली है। इसी तरह से कांस्टेबल का भी अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का 26 जून से और जनरल स्टडी का जो है एसआई का जो है 19 जून से ये स्टार्ट होने वाला है। प्लस फीचर की बात कहें तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, एग्जास्टिव कवरेज, कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, ये सारी की सारी चीजें हैं। अभी तो आ रही ना साउंड बेटा, अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अभी साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? ओके, तो आप ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से आ सकते हैं, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बिहार पुलिस को भी, पुलिस के एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, जिनके रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव टेस्ट, लाइव डाउट सेशन को आपको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हम अपने बैच की बात बताएं तो ये 22 जून से, अच्छा ये पुराना वाला आ गया क्या, ये 22 जून से शुरू हो रहा है नया बैच, ये 8 जून नहीं है, 22 जून से ये शुरू हो रहा है बैच। और ये एसएससी सचिवालय सहायक का भी चार है ना, आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है और ये सारे के सारे कवर करने वाले हैं। वन सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप अगर देखें तो प्री, मेन्स, एसआई, सीडीपीओ और ऑप्शनल सारे के सारे चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा। ओके, और यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं लल्ला कि आप कहीं से भी आप कोई भी कवर कर सकते हैं क्लास। यस, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, कोई भी आप क्लास आप कवर करते हैं। 10% का आप, अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। मैं ये रेफरल कोड आप मेरा यहां पर डालिए और अपने आप जो है पूरा आपका कवर हो जाएगा। ओके, कॉम्बो पैक की भी सुविधा हमारे यहाँ, जहाँ पर बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को कवर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ चले गए बेटा सब? आ जाओ लल्ला, कहाँ हैं सब लोग? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मार्फोलॉजी की बात करेंगे, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देखा, प्लांट मार्फोलॉजी की बातें करेंगे आगे। कम ऑन, अच्छा नेट बंद है ना। काफी बच्चों के यहां नेट बंद है। बताओ, चलो जल्दी बताओ। बिल्कुल, अपस्थानिक जनन। और मूलांकुर से जो जड़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चलो जल्दी से बताओ। बोलो बोलो जल्दी से।
गेट बंद कर, गेट बंद कर। बिल्कुल मुसलाजर कैप रूट, श्वसन मूल मिलती है पान में, चेस्टनट में, राइडियोफोरा में, मक्का में। बताओ भाई, राइजोफोरा डहलिया की जड़ें होती हैं, कंदिल तथा पुलकित, कुंभीरूपी, स्वांगीकारी, रेशेदार। कम ऑन माय चाइल्ड, बिल्कुल कंदिल और पुलकित, ट्यूबरस एंड पल्वराइज्ड, कंद के जैसी होती हैं आप अगर देखेंगे तो। डहलिया जानते हो ना, जो बड़े बड़े जो पुष्प होते हैं, हाँ, गुच्छेदार, तो उनकी जड़ें जो होती हैं ना, आप देखोगे तो ऐसे ऐसे इसमें ना कंद जैसी ऐसे ढेर सारी लगी होती, कंद। ऊपरी रोही मूल, एरियल रूट और फाउंड, ऊपरी रोही, एरियल रूट्स, एरियल बोलो, कस्कुटा में या ऑर्किड में, ऑर्किड्स में एरियल रूट, वो पैरासिटिक रूट होती है बेटा, कस्कुटा में पैरासिटिक रूट होती है, नॉट नेमेटोफोर, श्वसन मूल किस में पाया जाता है, शुष्कोद्भिद, उपरिरोही, मैंग्रोव, जलोद्भिद। बोलो, मैंग्रोव में पाई जाती है, मैंग्रोव, मैंग्रोव प्लांट में जो है ना वो श्वसन मूल पाई जाती है, जलोद्भिद में नहीं। मैंग्रोव प्लांट जो हेलोफाइट्स होते, इनको हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, यानी लवणोद्भिद, जो लवणोद्भिद में होते हैं ना उनमें मिलता है। ऑर्किड्स में विलामिन जड़ें होती हैं, ऑर्किड्स हैव विलामिन रूट्स। सहारा देने के लिए ए वाला यहीं पर लिख गया बेटा, सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, गैसों के विनिमय के लिए, या किसके लिए होते, विलामिन टिश्यू ऑफ ऑर्किड्स, यस कम ऑन। नमी का अवशोषण बेटा, वेलामेन टिश्यू, वेलामेन ऊतक जो होते हैं वो, उसमें मेन काम क्या है, वो नमी को, इसमें एरियल होती है ना, जड़ें लटकी रहती हैं,
अगर आप आर्किड देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा। हाँ, कौन सा एक जड़ नहीं है, आलू, गाजर, शकरकंद या मूली? बोलो। जड़ नहीं है, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सही, आलू जो है वो तना है, बाकी सारी जड़ें। आलू जो है वो क्या है बेटा, वो तना है। हाँ, स्टिल्ट रूट पाई जाती है, स्टिल्ट, स्टिल नहीं, स्टिल्ट। गन्ने में, गुड, प्रॉप रूट होती है, पुलकित जड़ें, मुसला जड़ें, शाखान्वित जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, प्रॉप रूट। बिल्कुल, अपस्थानिक जड़ें होती है जो बरगद से लटकी होती है। अपस्थानिक यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान से निकल रही, इसलिए वो अपस्थानिक बोली जाएंगी। जहां निकलना चाहिए जड़ों को, उसके अलावा अगर कहीं से भी निकलें तो जाहिर सी बात है वो अपस्थानिक हो जाएंगी। बोलो। अपस्थानिक यानी अपने स्थान से अलग जगह से निकलना। जड़ें विकसित होती हैं प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से या पत्ती से। जड़ें, मूलांकुर से, गुड। गाजर है एक जड़, तना, पुष्प या पुष्पक्रम। गाजर क्या है? बोलो। बिल्कुल सही, जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जस्ट बिलो द रूट टिप, बिलो ना, जस्ट बिहाइंड। जस्ट बिहाइंड द रूट टिप या कैप। बिल्कुल, इशिम होती है ना, रूट कैप पे, रूट सिर से जस्ट पीछे थोड़ी होती, थोड़ा सा जस्ट पीछे होता बेटा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती? वलयाकार, वायवी, प्रॉप रूट या एसेंडिंग रूट, कौन सी रूट हम कहते हैं इनको, बताइए।
स्तंभ। निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। शंक्वाकार जड़, तर्क रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़, श्वसन मूल। गलत कौन सा बताओ? किसको स्टिल्ट रूट बोलते बेटा? प्रॉप रूट अलग है, स्टिल्ट रूट अलग है लल्ला। इसको इसको स्टिल्ट नहीं बोलते, इसको प्रॉप ही बोलते हैं। बोलो कौन सा इनकरेक्ट है? शंक्वाकार जड़ प्याज में है या यस? ये गलत है। कॉनिकल जो रूट होती है वो किस में होती है बेटा? गाजर में, है ना? हाँ, और ये बल्ब होता है, बाकी इसको स्पिंडल। श्वसन मूल, नेमेटोफोर्स पाए जाते हैं हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंगाड़ा में या एस्ट्रोकैंथा में। बिल्कुल सही, राइजोफोरा भी तो हमने बताया था इसको। पान की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती? स्टिल रूट, अटैच रूट, सैडी रूट या असेंडिंग रूट? कम ऑन, नो, एसेंडिंग रूट्स। एसेंडिंग रूट पाई जाती ऊपर चढ़ने वाली, आरोही जड़। ओके आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्लाइंबिंग। हाँ बिल्कुल, तना है ये, स्टीम। पर्ण का स्तंभ फिलोक्लेट किसका रूपांतरण? फिलोक्लेट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ या मॉडिफाइड ऑफ। बिल्कुल सही बेटा, पत्तियों के, है ना? ये किसके होते हैं? फिलोक्लैड, पर्णकाय यानी पत्ते के जैसी आकार वाला स्तंभ, जैसे नागफनी वगैरह में आप देखते हो ना, सारी तने जो हैं वो पत्तियों में दिखाई देने लगते, पत्तियों के जैसे चौड़े चौड़े चपटे चपटे, वही फोटोसिंथेसिस करते, तो वो तने हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित वृत्त द्वारा या सल्क कंद द्वारा, किसके द्वारा बोलो? किसमें किसमें स्टेम होगा बेटा? माधुरी, अच्छा मैंने पत्ती लिख दिया क्या? ओ माय गॉड, हाँ सॉरी बेटा सॉरी, हाँ तना ही होगा। हाँ लल्ली ठीक ठीक, पत्तियों के जैसे तना, अच्छा मैंने उल्टा बताया क्या? ओ माय गॉड, तने ही होते हैं बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सही, पत्तियां नहीं होती, तना ही पत्तियों का रूप ले लेता है, मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा वो मैं पत्ती बता रहा था इसलिए बेटा पत्ती मार दिया, आई एम रियली सॉरी अगेन।
जो पत्तियों पत्तियां तो उसमें कांटों में बदल जाती है ना, उसकी पत्तियां जो है वो कांटों में बदल जाती हैं अगर आप देखें तो, बाकी जो तने में वो होता है बेटा वो, हाँ बिल्कुल ये इस तरीके से आप देखते होंगे, और यहां पर ये कांटे में बदल जाती हैं ये पत्तियों पर ही, मतलब ये तो पर्ण काय, पर्ण का पर्ण की तरह उसकी काया हो जाती है, किसकी, स्तंभ की। हाँ अच्छा, गलती से लग गया बेटा वो, बाय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, ओके। हाँ तो ये ध्यान रखना कि पर्ण का जो फिलोक्लैड होता है वो तना का मॉडिफाइड रूप होता है, जो पत्तियों जैसा दिखता है, वो पत्ती नहीं होती, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस उसी से होता है। इज दैट क्लियर? हाँ अच्छा, मैंने झट वो कर दिया। नागफनी में, अब देखो ये जो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कौन करता है, बिल्कुल 20 का कौन सा दुश्मन, पर्ण का, ठीक है, कौन एक तना है, आलू गाजर शकरकंद मूली, आलू ये जानते हो है ना, आलू ही तना है तो आप कई बार जानते हो। आज बच्चे बहुत कम आए हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहां करती है? अच्छा, काफी जगह पर नेट बंद हो गया है ना, 12-13 जिलों में बंद हो गया है। पत्तियों में संग्रह करते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है, आलू जो है वो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, आप जानते हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है कि वही 12-13 जिलों में जो है बंद ही कर दिया है। दैट्स गुड। बिल्कुल ये कंद है बेटा, ट्यूबर है। बल्ब की बात करें तो लहसुन प्याज है, घनकंद की बात करें तो अरवी और ओल है, प्रकंद की बात करें तो हल्दी है, अदरक है और केला है, ये सब है ना, सबकी बातें समझ रहे हो ना। हाँ मैंने आपको बताया भी था कि आलू इसके अंतर्गत आता है, कंद के अंतर्गत, राइजोम के अंतर्गत क्या आता है, केला आता है, अदरक और हल्दी, ये राइजोम है। घनकंद में कौन आता है, अरवी और ओल। सलकंद में कौन आता है, लहसुन प्याज, बस इतना ही आपको याद रख लेना है। ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड, ये सारे क्या है, भूमिगत तने हैं बेटा, सारे के सारे भूमिगत तने है ना, ये ध्यान रखना। सलकंद को हम बल्ब कहते हैं, घनकंद को हम कॉर्म कहते हैं, प्रकंद को हम राइजोम कहते हैं और कंद को हम ट्यूबर कहते हैं। ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद होना चाहिए, कभी भी दे देता है हिंदी इंग्लिश दोनों। क्या तने का रूपांतरण है, प्याज का बल्ब, अरवी का घनकंद, शकर का, हां शकरकंद का कंद, आलू का कंद, बताओ। ये कह रहा कि निम्न क्या तने का रूपांतरण नहीं है, बिल्कुल बेटा, शकरकंद का जो कंद है ना ये जड़ है और वो भी अपस्थानिक जड़े हैं, ये स्वीट पोटैटो जो है वो तना नहीं है, वो जड़ है, वो तना नहीं जड़ है, ओके।
तो ये यही पूछ रहा है, क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो तने का रूपांतरण नहीं बल्कि ये जड़ का रूपांतरण है ना? तो ये ध्यान रखेंगे आप, गेट इट? हाँ, नेक्स्ट, कौन सा तना है? यहां पर ए देखो, इधर चला गया बेटा, कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? तना कौन है? चलो चलो, कम ऑन माय चाइल्ड, बिल्कुल सही कहा, अदरक। अदरक तो राइजोम है और राइजोम इज द मॉडिफाइड स्टेम, है ना? गुड। प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? पत्ते होते हैं, जड़ होती है, तना होता है या पुष्प होता है? अभी कुछ लोग बोलेंगे, सर हम लोग तो कुल खाते, पत्तियां होती हैं सब खा जाते हैं, चबा जाते हैं। नहीं बेटा, आपको तना बताना पड़ेगा, स्टेम है वो। अरे बल्ब खाते हो ना उसका, अभी आप ही ने तो कहा सर ये मॉडिफाइड स्टेम है, आपने तो बताया कि मॉडिफाइड स्टेम है, तो आपको बल्ब ही लिखना पड़ेगा। हां ये ध्यान रखना, आप नहीं पत्तियों को नहीं मारेंगे वहां। कौन सा रूपांतरित तना है? कम ऑन, रूपांतरित तना कौन सा है? लल्ला, आलू, पोटैटो, है ना? किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? इसको थोड़ा सा नीचे ये देख लेना बेटा, जलोद्भिद यहां है। ये कैसा ऐसा हो जाता है? मुझे लगता है कि ना जब मैं चेंज करता हूं पीडीएफ में तब ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, बाकी सही रहता है, ऐसे ही रहता है ये। निम्न में से किसकी पत्तियों में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत? समुद्भिद, उपरिरोही, शुष्कोद्भिद, यानी हाइड्रोफाइट्स, मिजोफाइट्स, एपीफाइट्स या जीरोफाइट्स? पत्तियां क्या, कैसे आलू, क्या कैसे आलू, आलू तो आलू। बोलो, बिल्कुल बेटा, शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद भी इसको बोलते हैं, मरुद्भिद या शुष्कोद्भिद एक ही बात है। जीरोफाइट्स, आप देखते हैं पत्तियां कांटों में बदल जाती, बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, है ना? अच्छा, लास्ट सवाल में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कौन सा रूपांतरित तना है? हां तो तना कौन सा रूपांतरित है? पोटैटो क्या है? तना का रूपांतरण ही तो है। प्रशांत, क्या इसमें क्या दिक्कत है बेटा? ये पूछ रहा है ना तना का रूपांतरण कौन है, तो आलू तो तना का ही रूपांतरण है, बाकी आप जानते हो गाजर, शकरकंद ये सब जड़े हैं, और नारियल तो फल है। बोलो, नारियल तो फल है ना? हाँ, नागफनी वगैरह में, ठीक बोल रहे बेटा, है ना? नागफनी वगैरह में आप देखते होंगे पत्तियां कांटों में बदल, ये कह रहे न्यूनीकृत होता है छोटी, ताकि वो क्या कर सके, वाष्पोत्सर्जन कम कर सके बेटा। हाँ, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन यानी जल को संरक्षित करेगा इसमें। कैक्टस में जो शूल होते हैं, कांटे होते हैं, वो किसका रूपांतरण है? हाँ, स्टेम का, ब्रैक्ट का, लीव्स का या बड्स का, किसका, यानी जो किसके रूपांतरण से ये बना हुआ है? कम ऑन,
बिल्कुल पत्तियों का है ना, अभी तो मैंने बताया था कैक्टस नागफनी ये सारे के सारे क्या पत्तियों का ही। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैमस या एंजियोस्पर्म। जिसमें कभी भी पुष्प नहीं बनते उनको क्या बोलते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दोनों को अभी हम बताएंगे। एक में पुष्प नहीं बनते, दूसरे में पुष्प बनता है। चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, गुड। क्रिप्टोगैमस कहते हैं, एक क्रिप्टोगैमस दूसरा फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। हां नहीं, कॉनिफर्स तो जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म को कॉनिफर्स बोलते हैं इनको। यहां पर क्रिप्टोगैमस का मतलब कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब कोणधारी वन जो इस तरीके के होते हैं। ऐसे देखो ये कोणधारी वन होते नहीं है, मैं नहीं बना पा रहा हूं, मोटा है ना, पतला करके बनाता हूं, दिखाता हूं। जैसे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं, तो ये है कोणधारी। तो कोणधारी ये प्लांट हैं, लेकिन ये जिम्नोस्पर्मी होते हैं सामान्यतः। क्रिप्टोगैमस का मतलब नॉन फ्लावरिंग, और क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत सब आ जाएंगे बेटा, नी पीछे थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म ये सारे आ जाते हैं। ओके, तो क्रिप्टोगैमस एक बड़ा है और कॉनिफर्स छोटे। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, जो कंप्लीट पुष्प होता है ना उसमें क्या क्या पाया जाता है? कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट फ्लावर सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, बिल्कुल। एंड्रोसियम, गाइनेशियम, कैलिक्स, करोला ये सब पाए जाएंगे तब जाकर के कंप्लीट पुष्प होता है बेटा, है ना। ये फीमेल है, ये मेल, ये फीमेल गैमेट बनाता है और ये मेल गैमेट, और बाकी ये बाहर से उसके ढके हुए हैं। ये देखो दलपत्र और वाह दल। पुष्प के जनन चक्र कौन कौन से हैं? जनन चक्र जो पार्टिसिपेट करते हैं जनन में। वैसे भी आप जानते हो कि ये हाँ पुष्प जो होता है उनका क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है? एक यहां पर हो गया, ये देख लेना यार कैसे ऊपर चढ़ जाता है, मुझे लग रहा है फिर से देखना पड़ेगा मुझे। इनमें केवल अंडप होता है, इनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, इनमें केवल पुंकेसर होता है, इनमें
बोलो। दोनों होते हैं, उभयलिंगी है तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों होंगे। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बोलो कम ऑन। बुल्फिया, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है, बोलो। बिल्कुल बेटा, पूरा का पूरा क्लस्टर फ्लो है ना, फ्लावर का एक पूरा इनफ्लोरेसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, नहीं चल तो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, अच्छा ब्रोकली में भी, हाँ ठीक बोल रहे हो, रिफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है ना। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, हाँ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लाइफ साइकिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज, बिल्कुल सही बेटा फ्लावर, क्योंकि यही इसके आगे पीढ़ी को बढ़ाएगा। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली, एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन। वायु द्वारा एनिमोफिली है बेटा, एंटमोफिली नहीं, एनिमोफिली का मतलब होता है एयर के द्वारा, एंटमोफिली का मतलब होता है कीटों के द्वारा, ये एनिमोफिली है देख लो। अब आ गया एंटमोफिली, हाँ अब ये कीटों के द्वारा बाय इंसेक्ट है ना। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है, अरे एनेमोमीटर से आपको नहीं पता, एनेमोमीटर क्या करता है, वायु के वेग को नहीं मापता एनेमोमीटर, तो उसी से आपको ध्यान रखना है। एनेमो एनीमिया क्यों बोला जाता है, एनेमो
एनीमिया क्यों बोला जाता है, यानी वहां पर वायु तो नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन ही तो भी, तो एनीमिया, मिया का मतलब होता है कमी, आप जानते हो, तो उसी से ध्यान रख लेना। कायरेप्टेरोफिल, कायरेप्टेरोफिली को हम बोलते हैं चमगादड़ से द्वारा। जूफिली, जूफिली क्या है? जंतुओं के द्वारा, जाहिर सी बात है। ऑर्निथोफिली, सारा का सारा हमने एकदम पढ़ा है, एक एक पॉइंट लिखाया है और उसी से तो सवाल बनाया। पक्षियों के द्वारा, जल द्वारा परागण कहलाता है। हाइड्रोफिल, गुड। वो जो बंद पुष्पों में होते हैं ना बेटा, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, क्लिस्टोगैम। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, अच्छी संतान, बीजों का निर्माण, क्या ऐसा है? चाइल्ड के ऑफस्प्रिंग लिखना चाहिए था यहां पर। बोलो, गुड, अच्छे संतान। जिस तरह से बेटा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में वो तो ना इसका हाइब्रिड कराया गया, क्रॉस कराया गया है, तो हाइब्रिड भी तो क्रॉस ही होता है। हाइब्रिड का मतलब क्या है ना? सीड का तो वैसे भी फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन से क्या मतलब है? पर परागण हो चाहे स्व परागण में नहीं होता क्या? स्व परागण भी तो वही है। हाँ, गुड, प्रोजिनी या ऑफस्प्रिंग। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। बिल्कुल बेटा, कीट परागित पुष्पों में, है ना।
घोंघा के द्वारा जो होता है परागण उसको क्या बोला जाता है? घोंघा। बिल्कुल सही है ना। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? अकोशी, नॉन सेलुलर है ना। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? बिल्कुल, जीवाणु विकृति है, बैक्टीरियल। कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकी। निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर्स। एजोला। निम्न में कौन सा जीव वास्तव में मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, समुद्री घोड़ा। वास्तव में मछली। समुद्री घोड़ा। गुड। सी हॉर्स। कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, सॉफिश, पाइफिश, गिटारफिश। बिल्कुल, स्टारफिश। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। बच्चे कम आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, चलो फिर आगे कल हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करते हुए जाएं।